हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शकन सुमित लाल के उत्तर राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी हरियाणा की टॉप मतलब वायरल शहर आज के टाइम पर कौन सना चौधरी, जिसके लाइव आपने शोर में बड़े बड़े के गुदड़िया बड़े बड़े के घर के अंदर घुमा देखी होगी। तो सना चौधरी स्वागत है अपना, राम राम, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल। राम राम जी, सारे दर्शक मीडिया के सारे दर्शक, राम राम। मतलब माफी चाहूंगा चौथी बार इंटरव्यू बन, कोई बात नहीं, कुछ फोन प्रॉब्लम होगी इनके, दैट्स व्हाई बार बार इंटरव्यू करने की जरूरत पड़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब मैंने राम राम करा बस इतना जोड़ लिया, राम राम जी बेटा छोड़ दे। तो राम राम मैं तो आपसे तो जोड़ आगे बन के होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नाम सना चौधरी, रियल नेम बता दे करके, तो मतलब चौथी बार पूछ लिया सवाल आप पे। कोई बात नहीं, 10 बार और पूछ लेना। नाम ओनली सना है, चौधरी इसलिए क्योंकि मैं जाट हो गई हूं, चौधर चौधर जरूरी है तो चौधरी। हां चौधरी, मतलब आज के टाइम पर हरियाणा पूरे वायरल है, सबके बिना बैर के फैन एक प्रोग्राम बन के बारे में बता दो। पहले तो मैंने नहीं बताया वायरल हूँ, किसने बोला आपको, मेरे पब्लिक लाओ यार ऐसे लोगों से। जी गांव मेरा माजरा है, दुबलधन माजरा, झज्जर साइड पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मेरी झज्जर है और तहसील मेरी बेरिया, अभी रोहतक में रह रही हूँ मैं। मतलब वायरल तो आप, मतलब 10-12 हजार लोग देखा, 50-50 हजार लोग भी देखा लाइव में, मतलब वायरल तो हुई। लोग एक के जगह के, एक के गांव के होंगे, सारा हरियाणा में तो होंगे। हाँ ये तो है, लोगों का प्यार भी बहुत मिला है, अभी मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा। मतलब किसी का अपन हुआ है स्पेशल बुलाया सना जी, मतलब हमारे को फंक्शन है, आपका कार्ड अपना आना जरूरी है। 2-3 बार हुआ है, वो भी मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि सना प्लीज आना प्लीज आना, ऐसे किसी का पर्सनल इनविटेशन नहीं आया मुझे कि आप प्लीज हमारी शादी में आना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ शो के लिए जरूर आते हैं। मतलब बात का सोशल मीडिया जरूर नहीं, कैसे आया आप सोशल मीडिया पे? मेरा पहले अकाउंट एज अ मेकअप आर्टिस्ट सना मेकओवर के नाम से था मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे, एंड फिर मतलब साहिल बाजवानी एक फोक डांस आर्टिस्ट है और मेरा एक फ्रेंड है अजय कासवा राजस्थान गंगानगर से, तो उसने मुझे लाइक मोटिवेट किया कि तू इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाल, लाइव आया था डांस की वीडियो डाल। तो साहिल बाजवान जी, सत्य जी, सिंटे जी और धर्मेंद्र बेड़वा जी के साथ लाइव आए हुए थे, तो मैंने कमेंट कर दिया कि मुझे भी डांस करना, मुझे भी ऐड कर लो, और मुझे सच में यकीन नहीं था कि मुझे सच में ही ऐड करेंगे, उन्होंने सच में ही ऐड कर दिया मुझे। एंड ऐड करने के बाद मेरा पहला गाना था सपना चौधरी वाला तेरी आंखें कायो काजल, उनका भी यही गाना सबसे वायरल हुआ था और उसी से मेरी भी लाइव शुरू हुई थी। काजल आपकी जिंदगी बना दी पूरी? पूरी नहीं बनाई है, पर अब तक का सफर बहुत अच्छा चल रहा है। बात कर रहा हूँ पिया की, मतलब सुना चौधरी तो बैंक बैलेंस भर रही है, मतलब जर लाकर पिया की तरफ इकट्ठी कर ली। कहाँ है पैसे? बैंक अकाउंट में होंगे आपके? मेरा अकाउंट ही नहीं है सबसे पहली बात, थी मैं सच में कोई अकाउंट नहीं है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से मुझे कुछ खास कमाई नहीं होती है, प्रमोशन से ये है कि भाई बस ठीक है, बाकी अदर एज अ मेकअप आर्टिस्ट जॉब कर रही हूँ और भी बहुत सारी चीजें मैं साथ में कर रही हूँ, ऑनलाइन जॉब भी कर रही हूँ, तो उससे बस ये अपना घर खर्च निकाल रही हूँ क्योंकि फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, मैंने घर छोड़ रखा है, फैमिली का कोई खास सपोर्ट नहीं है। मतलब घर छोड़ दे क्यों छोड़े? मतलब लाइफ इस वजह से, मतलब मेकअप आर्टिस्ट इस वजह से नहीं, एक तो मैं जाता क्यों होगी, दूसरा मेरा काम हो गया नाचन गाना बजाने का, तो जाटों में बोलते हैं कि नाचना गाना बजाना जाता करना हो गया तेरे, ठीक है, तो मैं वही चीज है, मैं ऐसी सोच के नहीं हूँ, मैं मेरी एक ही सोच है कि किसी भी काम पे लिखा नहीं होता कि ये स्पेसिफिक जात वाले करेंगे या यही लोग करेंगे, जिसका जो दिल करे वही करे, मैंने अपने दिल की सुनी तो मैंने घर छोड़ दिया। हाँ ऐसी अफवाह है और 50% यस 50% नो, ये पर्सनल है, मैं इससे शेयर नहीं करूंगी। मतलब वो पब्लिक के लिए, जिनको पता है वो समझ जाएंगे और जिनको नहीं पता वो भी समझ जाएंगे। तो मैं तो पता है, मैं क्या समझूं, यस या नो? आप भी यस नो दोनों समझ लो। तो लाइव आकर दे बिल्लो को, लेकिन छोड़ के उसके लिए चिंटू और लाइव में आएंगे, लाइक क्या नहीं कहेंगे ज्यादा गंद पड़ा में, मतलब डायरेक्ट ऐसी ऐसी वर्ड यूज करा कर दे, मतलब भाई भी तो बहुत बिल्ला जी के साथ, सिंधे जी के साथ, सत्य जी के साथ लाइव आते थे तब डबल मीनिंग चीजें चल रही थी, तब सब नॉर्मल लगता था, बट जब से चिंटू जी के साथ शुरू मैंने किया था उसके साथ बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ मैंने बहुत गंदे वर्ड यूज किए, बट मैंने किसी पर्सन को नहीं बोला, बस उन्हीं के साथ हंसी मजाक थे, वो चीजें गलत हुई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ये चीजें हुई, बट अब बहुत कम है, अभी हमने भी लाइव ही बंद कर रखी। डर गए इस वजह से, लाइव बंद कर दिया।
नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी पर्सनल लाइफ में बिजी हूँ, थोड़ा खुद को अपग्रेड कर रही हूँ, खुद को मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, ट्रॉलिंग बहुत ज्यादा होती है, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, तो खुद को बोलते हैं ना चार्ज करने के लिए मोटिवेशन अपग्रेड पर्सनल स्पेस बहुत जरूरी है। आप देख कर लगे जिम जाम करते हो, एथलेटिक्स कोई करते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिम में मैं कुछ नहीं करती, नॉर्मल लाइफ है, सुबह उठ के घूमना फिरना वॉकिंग करना बस, मतलब इस वजह से पूरे वो हैं। हाँ ऐसा बोल, मतलब लोग देख के डरते नहीं, वो सोना चोर जाएगा क्यों नू इतनी तगड़ी वह जन ऐसा नहीं है। मैं अभी वर्दी लॉ टी शर्ट डाल रहे तब आप अच्छी हट्टी कट्टी लग रही हो स्पोर्ट्स पर्सन, बट सूट सलवार डालूंगी तब आपको लगेगा नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ हाइट मेरी थोड़ी अच्छी ज्यादा, क्योंकि जाट का खाना पीना हो गया, हाँ जाट के ठाठ न्यारे हुए हैं। मतलब मैं अपने तो लग गया देख मेरी भी आदत नहीं है, मतलब कुछ कर थोड़ा लेकर जिंग इंटरव्यू में मतलब बड़ा ऐसा नहीं है, बट अगर ये इंटरव्यू नहीं हुआ तो जरूर कर दूंगी मैं, क्योंकि चौथी बार होता है, बट मजाक की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जैसा बर्ताव कर रहा है उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। मतलब तिल भी आपका मतलब उसका तेरे बहुत कमेंट ऐसा ना जी इतना क्यूट तिल, मतलब इतने सुपरे लागो आप, कहाँ है कमेंट, मुझे तो वो लोग दिखते ही नहीं आजकल। नहीं ऐसा नहीं है, ये तिल नजर बटो है नजर से बचाने के लिए। लाइन आ रहा देख पाचा फ्रिज भी दे रहे हैं आपके, वो फ्रिज कर रहा है वो फ्रिज मेरे घर पे है, मैं वहां तक आ गई हूँ लाइन नहीं गई, वो लाइव बैक मैं नहीं सर, मतलब ये भी पॉपुलर हो गया फ्रिज। हाँ बोल सकते हैं, लाना चाहिए था, बहुत मिस करती हूँ वो जगह को, इतना इससे भी कम ज्यादा स्पेस था, वो पीछे फ्रिज था इधर बैट डाला, इतने स्पेस में लाइव आते थे और स्टैंड भी बहुत टूटा फूटा फाइव से जोड़ के तब लाइव आते थे, मैं बहुत मिस करती हूँ उन दिनों को तो बहुत ही ज्यादा, घर की भी बहुत याद आती है, बट अभी बोल सकते हैं बहुत आगे आगे पीछे मुड़ के तो जाना है। मतलब फैमिली पिक्चर्स हो गए इसका लगता नहीं यार इतनी कामयाबियां मैं क्या करूं जब घर के साथ। हाँ लगता है बहुत कुछ लगता है, बट अभी कामयाब कहाँ ही हुई कामयाबी, कामयाबी वो होती है जब खुद का जो नीड्स हैं वो हद से ज्यादा पूरी होने लग जाए, दूसरे लोगों के लिए कुछ करने लगे उसे सफलता बोलते हैं, तो अभी मैं कामयाब नहीं हुई हूँ, जिस दिन कुछ बन जाऊंगी कुछ हासिल कर लूंगी तो शायद मेरे फैमिली वालों को भी प्राउड हो कि हाँ कुछ गलत किया तो कुछ सही भी किया है, तो वो शायद सपोर्ट में भी आ जाए। मतलब हरियाणा नाम बजाना सना चौधरी, सना चौधरी एक सपना थी लेकिन आप सना चौधरी है। हाँ ऐसा बोल सकता है, मतलब बात जगह सना चौधरी बात जगह नहीं जूत बात जगह। नहीं ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर मैं मेरी कम्युनिटी की बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा अपग्रेड रहना चाहती हूँ खुद को लेके, बट ऑल ओवर अगर बात करूं इंडस्ट्री की तो और भी ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हसीन हसीन मलिकाएं आ रही हैं आजकल के टाइम में, तो अब मैं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये कर रही हैं वो कर रही हैं, वो तो मैं कर नहीं सकती, पर जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगी। हसीन की बात तो आप क्या है, मतलब इतने खूबसूरत देखिए करो फिल्टर, इतना तकड़ा फिल्टर मारो आप, फिल्टर होते लगाने के लिए, किसने बोला नहीं होते फिल्टर, मैं तो लगाऊंगी मेरी मर्जी, आपके पास है आप लगाओ, बहुत फिल्टर है बहुत ज्यादा है, फनी फेस का हो गया। नहीं वो मुझे अच्छे नहीं, जो मुझे अच्छे लगे कपड़े क्यों पहनते हैं सुंदर दिखा है, हाँ अच्छे अच्छे कपड़े से पानी क्यों पीते, क्योंकि प्यास मुझे, तो फिल्टर क्यों लगाते क्योंकि हम खूबसूरत दिखे, रियल लाइफ में फिल्टर लगा लो आप, रियल लाइफ में फिल्टर लिया भाई तो और भी सुथरी दिखू मैं तो बाय गॉड कसम सच में लगा लूंगी। अच्छे कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स मिलते हैं, बट कभी उन चीजों को मैंने सीरियस लिया ही नहीं, नीचे मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होती, हम बोल सकते हैं संस्कृति वहां पे भी गिर रही है जहाँ पुराण में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, तो वो भी तो संस्कृति खराब कर रही है। हमारे हरियाणा में जो माँ होती है ना, माँ बेटी बहन होती है, उनकी इज्जत करना सिखाया गया है, पहले कभी नहीं होता था, बहुत कम, आज के टाइम में पूरे भारत में कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम रेप केसेस है, ऐसा क्यों, और दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा रेप केसेस है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारी संस्कृति से आ चुका है, ठीक है, हम बोल देते हैं भाई लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन वो उनकी गलती है, लड़के तो अपने आप सेंशुअल होंगे, ऐसी बात नहीं है, कपड़े किसी की भी कैरेक्टर कपड़ों से नहीं जज होता,
7 साल की बच्ची स्कूल ड्रेस में थी कुराड़ में, क्या उसके कपड़े गंदे थे या कपड़े छोटे थे उसके, या उसका कुछ दिख रहा था, नजर गंदी थी उस हाउसी की जिसने ऐसा किया, ठीक है। तो प्लीज ऐसा ना करें, ऐसे हैवानियत वाली हरकतें ना करें। पहले संस्कृति में माँ बहनों की इज्जत करनी होती है। बहुत लोग देते हैं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, माँ बहन बेटी पे गालियां क्यों देते हैं, बाप भाई पे गालियां क्यों नहीं देते, ताऊ चाचा पे गालियां क्यों देते, माँ बहन की इतनी गालियां देते, क्यों सबकी माँ बहन इतनी सस्ती है या सबकी माँ बहन इतनी फालतू है जो माँ बहन की गालियां दे रही। तो कुछ भी बोलने से पहले सोचो, मतलब आपने दे दे उनका मैसेज नहीं करते हो तो आपने भी गया दे। हाँ बहुत बार हुआ है, इवन मैं आईडी शायद मैंने ब्लॉक कर दिया है उसे, दक्ष नाम की पता नहीं कौन आईडी थी, तो उस बंदे पहले मैं देखती थी उसके कमेंट आते थे लाइव में बहुत अच्छे अच्छे, वाओ सना वाओ सना वाओ सना, और फिर उसके डीएम्स में भी आए हाय सना, मैंने बात नहीं की तो उसने मेरी माँ बहन को गालियां देनी शुरू कर, मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। तो मैंने उसे लाइक रिस्पॉन्ड करवाया कि वो और गालियां दे और मैं स्क्रीनशॉट लेके डालू, बट वो समझ गया था। मैंने कहा बेटा स्क्रीनशॉट लेके डालूंगी तब क्या करोगी, तो बोला कि ठीक है बहन गलती हो गई, ये हो गया। तो या तो ऐसी हरकतें करो मत कि अपनी गलती माननी पड़े, कोई बंदा था कौन था, उसने मेरे पास फोटो क्लिक करके भेजा, उसने चाय पत्ती का जो पैकेट होता है वो सना के नाम से ही बना दिया, उसका शायद कंपनी था या पैकिंग का कंपनी था मुझे नहीं पता, उसने सना नाम से ही चाय का पैकेट बना दिया। तो बहुत फनी फनी चीजें होती है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ नाम लिखने से, और ऐसा कभी मत करना। मतलब क्यों, मतलब आप चाहना है तो आपको मैसेज नहीं रिप्लाई नहीं कर दे तो कर सकना है तो बहुत सारे मैसेज होते हैं, पर्सनल लाइफ में भी इंसान बिजी होता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मतलब एक पर्सनल सवाल ये हो, जो इंस्टाग्राम पर ना दो फोन रखना जरूरी हुआ है, मतलब आप भी दो फोन रख दे, मतलब ओनली व्हाट्सएप, इवन यू के फंडा हुआ है आपका भी एक नंबर है ओनली व्हाट्सएप, दो नंबर है मेरे पास पर दो फोन नहीं है मेरे पास, मतलब यू के चक्कर हो ओनली व्हाट्सएप। वो पता है क्यों, क्योंकि जो पर्सनल नंबर होता है वो अलग, अब आप है आपके पास मेरा वो नंबर है जो प्रोफेशनली में यूज करते हो, अब पर्सनल नंबर पे घर वालों के फोन आ गए, उनके फोन आ गए, या जो नॉन है उनके फोन आ गए, घर से फोन आ गए, तो पर्सनल नंबर वहां से है। अब मैं प्रोफेशनल और पर्सनल एक ही कर दूं तो घर वालों को से बात नहीं हो पाएगी, क्यों प्रोफेशनल कॉल इतनी आ रही है, शूट्स के लिए डीएम्स इतने, कॉल इतने, तो घर वालों का टाइम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दो फोन शायद वो इसलिए रखते ताकि एक फोन से अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पाए। मतलब छोटू सर फोन फिर गया भी लग है, मतलब किसी को ज्यादा मजा काम करके एक देसी मिस लग लग कर जाती है, किसका ज्यादा मजा आता है। आपने मलिक फिल्म्स बारे भूल गए, सुनील मलिक जी, अच्छा मतलब चार हो गए, हाँ चार पांच छह साल से, तो सब गलत है ना, किसी को ज्यादा मजा आता है। सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है, सबसे पहले तो मेरे को आता है बिस्ला सर के साथ, तोड़ू बिस्ला, देसी बिस्ला जो चैनल है, दूसरा मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है छोटू सरपंच जी के साथ क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंकली बहुत रिस्पेक्ट, तीसरा सबसे ज्यादा मजा आता है बिल्ले जी के साथ, उनकी तो बात ही बिल्ले जी की तो बात ही अलग है, पर वो मजा बात अलग इसलिए है क्योंकि जो बंदा हम देखते हैं ना रियल लाइफ में जो जैसे मजाक करता वो बंदा कितनी मेहनत करता है अपनी वीडियो को लेके, वो चीज मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनकी। मैंने ऑब्वियसली नहीं, तो इतनी इतनी रातों को ठंड के दिनों में तैयार होके नंगे पैर और हाफ बाजू के सूट डाल के बैठना आसान बात नहीं होती, सारा दिन घर का काम, कॉलेज, और फिर कॉलेज से आने के बाद घर में फिर से तैयार होने के लिए लाइव आना बहुत मुश्किल बात होती है, कहीं ना कहीं मेहनत उसमें भी, अभी भी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन मेकअप करके भी घूम के देखो किसी आसान बात नहीं होती, फटके हाथ में आ जाती है। तो मतलब मैं दस का नाखन के संदेश देना पहुंचा हूं, चौथा इंटरव्यू हुआ आपका, यो तीन बार संदेश दे दिए, चौथी बार दे दी एक बार, बस यही है कि कुछ भी करो दिल से करो, जो आपके दिल में आए वो करो, किसी के फादर या किसी का बच्चा है तो कोई अगर कोई फादर बन चुका है या फादर है या बनने वाला है या मदर बनने वाली है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, अपना आपके पास लड़का है लड़की है कुछ भी है उसकी पहले सुनो वो क्या करना चाहता है ये सुनो। सबसे मेन चीज हमारे समाज में क्या है, कोई लड़का पैदा होता है हम उसे क्या सिखाकर बड़ा करते हैं,
पढ़ लिख ले, गवर्नमेंट जॉब लग जा, फिर अच्छी लड़की देख के शादी कर लेना, बच्चे पैदा करो, लाइफ सेट है। लड़की को क्या कह के बड़ा करते हैं, पढ़ लिख ले, काम सीख ले घर का, जॉब करनी है तो कर, 12 पास कर, फिर तेरी शादी करते अच्छे लड़के के साथ। कभी हम ये क्यों नहीं कहते बच्चे तू पढ़ लिख ले, तेरा जो मन करे वो करे, एक अच्छा इंसान बन। कभी ये नहीं सिखाते हैं, हमेशा यही सिखाते हैं तेरे को करनी ही शादी है आगे जाके। ऐसा नहीं है शादी करना जरूरी नहीं होता, अपने दिल की सुनो पहले। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्लीज ये इंटरव्यू सेव हो जाए, रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे से लाइक और कमेंट कर देना। धन्यवाद जोड़ लेख भाई, पैंडा छोड़ दे नहीं मनाया जी इस बार। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। जय हरियाणा, जय हरियाणा।